हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मोटर टूरा सोनू और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू। सो गाइस, आज है 28 नवंबर और हम करने वाले हैं आज एक छोटी सी राइड। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यस सुजुकी। इसके पहले भी मैंने इसकी राइड की है जो कि स्पॉन्सर राइड होती है। मैंने दो बार इसके साथ राइड किया है इन लोगों के साथ। तो एक्चुअली दिस इज़ एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाई द सुष्मिता सुजुकी। एक बार आपको गाड़ियों की लाइनअप दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये फर्स्ट गाड़ी शुरू हो रही है इंट्रूडर से एंड इसके बाद आपको जिक्सर ही जिक्सर नज़र आएंगी। इस इवेंट की सारी जानकारी मैं लेना चाहूँगा इस सुष्मिता सुजुकी के MD सर से। तो मेरा नाम दीपंकर दत्त है। इस इवेंट में हम लोग जा रहे हैं बागनान दामोदर वैली पूरा। हम लोग पिकनिक, जैसे पिकनिक बेसिकली, हाँ, ये पिकनिक स्पॉट, चाय पर पिकनिक स्पॉट, और वहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इस राइड का मेन मकसद है अवेयरनेस फॉर हेलमेट एंड सेव राइड सेव लाइफ। और सर, तो ये राइड बहुत बढ़िया होगा आशा करता हूँ। हम लोग इन्जॉय करेंगे, हम लोग सब मिलके इन्जॉय करेंगे और आप लोग भी इन्जॉय करेंगे इसके साथ ही। तो आप तो देख सकते हैं इसके पीछे में हमने बैनर भी बना रखा है, सर ने बैनर बनाया है। सर ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। राइड मैंने जरा जरा गैसे तारा जानते मैंने स्पीडे बेड़ी जा ना लिमिट किलोमीटर मध्य हमारा পরস্পর লাইন বাই লাইন যাবো, ঠিক আছে, মানে কাউকে ক্রস করবো, যে আমাদের লিড করবে সঙ্গে ওর পিছন পিছন আমরা যাবো, আমি যেখানে থাকবো। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। और यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ग्रुप राइड की कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, एक साथ में मिलते हैं और एक डिसिप्लिन से राइड करते हैं। जैसा कि MD सर ने अभी बताया कि कोई यहाँ पे रेस नहीं करने आया है, तो हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं लेंगे, ऐसा चलाएंगे गाड़ी कि सब लोग सब साथ में चल पाए। तो दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्रुप राइड कि ये हमें एक डिसिप्लिन सिखाती है। और सोलो राइड का तो अपना अलग ही मज़ा है, आप बस क्रूज कंट्रोल में डालते हैं गाड़ी को और भगाते हैं। सो वेल, अभी हम लोगों को मिली है यहाँ पर कुछ टिफ़िन, एक टी शर्ट हमें मिली है यहाँ से जिसमें सुजुकी की ब्रांडिंग की हुई है। मैं इसे फटाफट खोल के और पहन के दिखाता हूँ। एक लुकिंग कूल मैन, काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है, इसकी भी बॉडी में काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। तो जो भी वो फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है इस बार की टी शर्ट की। एंड यहाँ पे सुजुकी सिक्सर की ब्रांडिंग की हुई है रेड कलर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, कौन सा पैसा लग रहा है आपका। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था यहीं पे सुजुकी के राइड में कि अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर पार हो जाता है तो मैं एक्शन कैम लूँगा। एंड हियर इट इज़ माई SJ लेजेंड 6। तो ये की है जिस गाड़ी की, वो है ये। अरे नहीं यार, ये नहीं, ये। तो मैं अभी चलाने वाला हूँ वन ऑफ माई फेवरेट यमहा R15 एंड दैट्स माई फेवरेट कलर स्काई ब्लू। ये काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है यहाँ से देखने में इसे, बट इसकी हैंडलिंग पोस्चर तो मतलब काफ़ी ही ज़्यादा लीन है। नहीं भाई, R15 चला कर मज़ा है बॉस, बट हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है इसके राइडिंग में, पोस्चर में। ब्रेक तो मतलब माशा अल्लाह क्या ब्रेकिंग है। तो यार इस बार ऐसे कि हमने धोखा दे दिया, 100% बैटरी और बस यूं मिनटों में फुल ऑफ। तो ऑल थैंक्स टू माय पावर बैंक, मैंने कल ही इसे परचेस किया है, आज इसकी टेस्टिंग हो रही है। एंड फिलहाल तो मैं पावर बैंक के साथ कनेक्ट करके कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑल राइडर्स आर रेडी टू रोल, सारी गाड़ियाँ रेडी हैं यहाँ पे फ्लैग ऑफ के लिए। हमारे MD सर फ्लैग लेकर खड़े हो गए हैं, सभी रेडी हैं जाने के लिए, निकलने के लिए। एंड सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। एंड सुजुकी की लाइनअप काफ़ी अच्छी लग रही है, पूरे भीड़ में गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हो गई है। एंड इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। सो ऑन माय लेफ्ट इंडियन ऑयल, और हम लोग यहाँ पे रुकेंगे फ्यूलिंग के लिए, सारी गाड़ियों में होगी फ्यूलिंग एंड उसके बाद यहाँ से
डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे हम लोग। तो ये रही है बाइकों की लाइनिंग पेट्रोल पंप पे यार, हो रही है फिलिंग यहाँ पे। कितनी सारी गाड़ियाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड आगे कुछ गाड़ियाँ जा चुकी है 15, 16 एंड 17। ऑलमोस्ट 20 गाड़ियाँ हैं जो हमारे साथ जा रही है। दिन काफ़ी गर्म हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है एंड अपना भी नंबर आ गया फ्यूलिंग के लिए। देख लो इस बच्चे को, ये हुई सबसे बेहतरीन राइडिंग, लुक एट दैट गाय। ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जिन्हें राइडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। काफ़ी क्यूरियस हो रहा है देखकर इतनी सारी गाड़ियाँ, और सभी ने एक ही टी शर्ट पहन रखा है तो काफ़ी ये आई कैचिंग है। अभी हम लोग धूलागढ़ टोल प्लाजा के पास पहुँच गए हैं और आगे सारी बाइकें रुकी हुई है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, सारे बाइकर्स यहाँ वहाँ हो गए थे, कुछ काफ़ी स्लो चला रहे हैं और कुछ काफ़ी तेज चला रहे हैं, तो इसकी वजह से বেশি আস্তে হয়ে যাচ্ছে না यार, ऐसे कौन चलाता है गाड़ी, 29 से ऊपर जा ही नहीं रही है। और वो गाड़ी चलाकर जो मजा आता है ना, वो नहीं आ रही है, तो ज्यादा ही स्लो जा रहे हैं लोग। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये रही वो सड़क जहाँ से हम लोग आए हैं, और यहाँ से घूमकर ये उस साइड से यहाँ से नीचे आने की जगह है, और ये रहा लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की है, और यहाँ पे डिस्प्ले में गाड़ियाँ लग चुकी है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें कॉफ़ी और चाय कुछ भी नहीं है। तो ये मांग है सुजुकी की ओर से जो अभी सारे राइडर्स को दी जा रही है, जो भी कस्टमर्स इस कैंपिंग में आए हुए हैं। एंड अभी मेरे सामने कप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, फोटो सेशन चल रहा है, सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पास में गाना भी बज रहा है, शायद मुझे गाना को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है भाई। सेस हो रहा है ऑलमोस्ट, अब बस कुछ ही देर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और वापस बैक टू होम, एंड उसके बाद एडिटिंग एंड वीडियो आने वाली है फटाफट से एकदम। सो जो कि आप अभी देख रहे हो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कहीं पर भी थोड़ी सी बात अगर मेरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और गाड़ियों में कौन सी सेगमेंट या कौन सी कलर आपको अच्छी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे। दिस इज़ द एंड ऑफ इवेंट, और अब हम लोग चलेंगे सब घर की ओर।
एंड लास्ट फोटो सेशन हो रही है, ग्रुप फोटो ली जा रही है यहाँ पे। चलो भाई टाटा, आवाज देखा हो बाय।